ममता बनर्जी के आरोपों पर सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने ममता बनर्जी के आरोपों को गलत बताया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी को बैठक में बोलने का पूरा मौका दिया गया था। विशेष अनुरोध करने पर उन्हें सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया, जबकि लंच के बाद उनकी बोलने की बारी थी। हालांकि ये सब कुछ होने के बाद भी बैठक से बीच में ही ममता बनर्जी बाहर निकल गई। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हुई थी और उसके बाद बीच बैठक से वो बाहर निकल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, जिस पर अब सफाई सरकार की तरफ से आई है। अब आपको सुनाते हैं कि ममता बनर्जी ने सरकार पर क्या आरोप लगाया था। देखिए, मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, आप रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने कोई डिस्क्रिमिनेट को आपको 15 मिनट को आपको अपोजिशन से मैं एक ही आया, लेकिन तब भी लोगों को 5 मिनट। और बात अगली खबर ही करते हैं। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लाभ करोड़ों गरीब परिवार उठा रहे हैं। बिहार के सिवान जिले की बात करें तो यहां करीब करीब आधे लोग ये कार्ड बनवा चुके हैं और जो बच गए हैं उनके लिए प्रशासन ने एक बार फिर से कैंप लगाकर कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके पास किस तरह का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इसका फायदा बिहार के करोड़ों परिवार उठा रहे हैं। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को स्वास्थ्य की गारंटी देना है। सिवान जिला प्रशासन लोगों का कार्ड बनाने के लिए एक बार फिर अभियान चला रहा है। 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक महाअभियान चलाकर जिले में आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया जाना है। जिले में करीब 11 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और जिनका नहीं बना है उनका कार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। मार्च महीने में आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए महाअभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 11 लाख लोगों ने अपना आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया था। आज पुनः 18 तारीख से 31 तारीख तक यह अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर और पीडीएस की दुकानों पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने से पीछे ना रहे। इस अभियान के तहत जिले में स्थित सभी 1650 पीडीएस दुकानदारों के दुकान पे जिला प्रशासन के द्वारा VLEs को कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भेजा जा रहा है, जिसके द्वारा आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया जाएगा। बिहार में सिवान दूसरा जिला है जहां सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाया है। लाभार्थी सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। हम लोग का मुफ्त में इलाज मिलेगा, सरकारी या प्राइवेट, 5 लाख रुपया का हम लोग का इलाज मिलेगा और राशन भी फ्री में मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या चाहिए। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार की ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें कम से कम बीमार होने पर पैसों की चिंता तो नहीं रहती है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्कीम चलाया गया है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के द्वारा, बहुत बढ़िया स्कीम है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया चीज है और मुफ्त में राशन मिल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी किसी भी सरकारी और इस योजना के तहत आने वाले प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आज बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। भारत सरकार की कोशिश है कि कोई भी पैसों के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बात अगली खबरें करेंगे। एक तरफ जहां लोग आधुनिक शिक्षा लेने के लिए बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी आरा के चरपोखरी प्रखंड के सोनबरसा गांव में मौजूद श्री तोता मठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुरुकुल चलाया जा रहा है, जहां बच्चे धर्म, वेद और पुराण के साथ साथ अंग्रेजी और मैथ की पढ़ाई भी करते हैं। पिछले 50 सालों से छात्रों को यहाँ शिक्षा दी जा रही है। इस गुरुकुल से पढ़ाई कर बच्चे प्रोफेसर तक बन चुके हैं। वर्तमान शिक्षा के दौर में
एक ऐसा भी पूरे शाहबाद में गुरुकुल संचालित हो रहा है जहां की बच्चे वेद व्याकरण और शास्त्र की शिक्षा के अलावे तमाम विषयों की उनको निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वहीं ये श्री लक्ष्मी नारायण तोतादरी मठ सोनबरसा है जहां की तकरीबन 50 से ज़्यादा की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वेद व्याकरण और शास्त्र की पढ़ाई होती है। इसके अलावे इनको गणित और तमाम अन्य अंग्रेजी हिंदी विषयों की शिक्षा दी जाती है। कैसे संचालित होता है ये गुरुकुल उसको लेकर के हम आज इस समय मौजूद हैं। इस मठ में हम बातचीत करेंगे महाराज जी से। महाराज जी कैसे संचालित करते हैं इतने बच्चों को जिस तरह से शास्त्र व्याकरण की शिक्षा दी जाती है उसके अलावा अन्य विषयों की शिक्षा? आते हैं पढ़ाने वाले शिक्षक, पढ़ाते हैं वो भी समय से आते हैं। कुछ यहीं से विद्यार्थी जो पढ़ लिए हैं वो भी अपना पढ़ाई करते हुए ये लोग को भी पढ़ाते हैं। अपने यहाँ जो शास्त्र हैं, संस्कृत शिक्षा शास्त्र, सनातन में जितने शास्त्र हैं सबका अध्ययन कराया जाता है। वेद व्याकरण ज्योतिष और भी जो आंग्ल विषय है, इंग्लिश मैथ इत्यादि कहते हैं। कई बच्चे यहाँ से शिक्षक भी बने हैं पढ़ाई। हाँ, शिक्षक बने जी। कितने बच्चे यहाँ से शिक्षक बने, कौन विषय में बने? अभी सब संस्कृत से ही बने। हाँ। अभी बीपीएससी से परीक्षा निकाल कर ज्वाइन किया। अभी 18 जिला, बिहार के 18 जिला के विद्यार्थी हैं यहाँ पे, और भी अन्य प्रदेश के भी हैं। आप बताइए आप कितने दिनों से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? हम 2007 से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? मैथ की, अंग्रेजी की और वेद की, व्याकरण की, सब की पढ़ाई होती है यहाँ पे। जी हम 5-6 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है, वेद व्याकरण, छंद, निरुक्त और जनरल पढ़ाई, गणित, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हिंदी कौन पढ़ाते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं? जी एक किसी ग्राम में एक हैं गुरुजी जो आते हैं, प्रतिदिन संध्या टाइम पढ़ाते हैं हम लोगों को। ये जो विद्यार्थी हैं वेंकटेश, वो जहानाबाद जिले के हैं और इस मठ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गीता का पूरा श्लोक, इस विद्यार्थी की उम्र महज 12 साल है लेकिन इनको पूरा कंठस्थ है। हम चाहेंगे कि एक दो श्लोक आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्तव मामका पांडवाश्चैव किं कुरुवत संजय। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरह से इनको पूरा श्लोक कंठस्थ है और ये तमाम जो विद्यार्थी हैं वो महाराज जी के निर्देशन में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें से कई बच्चे सरकारी नौकरी भी